स्वागत है आपका टीस पडी में। टीस पडी आपका अपना चैनल है जहाँ पे हम हर हफ्ते आपको नई रेसिपीज देते हैं। आप देख रहे हैं मैं किचन के बाहर खड़ी हूँ आप सबका स्वागत करने के लिए एक नई रेसिपी के साथ, जो है दाल मखनी की। फेस्टिव सीजन है तो मैंने सोचा इससे बढ़िया क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सीरीज स्टार्ट की जाए दाल मखनी के साथ। तो लेट्स गेट टू द किचन। जो ये आज की रेसिपी है वो जैसे मैंने पहले बताया है वो दाल मखनी की है। ये स्पेशल ओकेजन के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड रेसिपीज होती है। तो आप देखते जाइए इसे हम ऑथेंटिकली कैसे, जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको एंड तक ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ऑथेंटिकली तो ये हांडी में बनती है, चूल्हा और हांडी में। हम इसे चूल्हा और हांडी में नहीं बनाएंगे, ओपन वेसल में बनाएंगे। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, बट कुकर में उतना नियर अबाउट टेस्ट नहीं आता जितना ओपन वेसल में आता है, इसलिए मैं ओपन वेसल में बना रही हूँ। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। वो है दाल उड़द की साबुत 1 कप, जो ओवरनाइट भिगो दी थी, राजमा 1 मुट्ठी भर, 4 टमाटर, हल्दी, नमक, जीरा, लाल मिर्ची, हींग, अदरक लहसुन की पेस्ट 4 टेबलस्पून, और फ्रेश क्रीम ली है मैंने 200 ग्राम। ये जो उड़द की दाल और राजमा है ये हमने ओवरनाइट सोक की है। अब ये हम एक वेसल लेंगे जिसको गरम करेंगे, उसमें राजमा और उड़द की दाल को डालेंगे। अब हमने वेसल ली है, इसमें उड़द की दाल और राजमा को मैं डाल रही हूँ, पानी के साथ डाल रही हूँ। अब ये डाल दिया है, हम इसमें नमक डालेंगे। नमक एज पर टेस्ट डालना है और इसको बॉईल करने रख देंगे। अब हम दाल को 1.5 आवर्स के लिए उबालेंगे। इसमें हींग डालेंगे चुटकी भर, सो दैट एसिडिटी ना हो। और इसमें जो ये आप देख रहे हो ऊपर वाइट आ रहा है, हम इसको निकालते जाएंगे, क्योंकि ये जो होता है जब हम दाल को ओपन में बनाते हैं तो ये दाल का टेस्ट खराब कर देते हैं, इसलिए आपको ये झाग जो है बारी बारी निकालती जानी है। अब देखिए और झाग आई है, मैं इसको निकालती जाऊंगी। बट जब तक दाल फूटेगी नहीं तब तक हम दाल में करछी नहीं डालेंगे, इसलिए ये ऊपर ऊपर से बसा पानी निकालते जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी यहाँ तक पसंद आई हो देन ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम दाल को हिलाएंगे नहीं, बस ऊपर ऊपर फैला देंगे, बाकी उबाले से ये अच्छे से पूरी दाल में मिक्स हो जाएगा। अब अराउंड 1.5 आवर्स हो गए हैं और आप देखिए हमारी दाल भी फट गई है और राजमा भी हो गए हैं। तो हम दाल को अच्छे से हिला लेंगे नीचे से भी, कि दाल अगर बाई चांस जरा सी भी लगी होगी वो छूट जाए और ना लगे। इसमें पानी थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे।
और हम इसमें 2 करछी सरसों का तेल डालेंगे। आप इसमें सरसों का तेल या देसी घी डाल सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते, आप इसमें रिफाइंड मत डालिए, क्योंकि रिफाइंड जो होता है वो दाल में एक अजीब सा टेस्ट देता है। जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है वो सरसों के तेल से आता है। बट अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप इसमें घी डाल सकते हैं, और हमें इसको अच्छे से उबालते जाना है जब तक वो सरसों के तेल की स्मेल जो है वो चली ना जाए। आप देखिए अभी भी ये जो स्टार्च आ रहा है हम इसको निकाल देंगे। मुझसे बहुत बारी मेरे कुलीग्स या दोस्त पूछते हैं जो नॉर्थ इंडिया से नहीं हैं कि तुम्हारी हर सब्जियों में टमाटर के साथ दही या दूध या क्रीम डलती है, क्या वो फटती नहीं है? नहीं, वो नहीं फटती सब्जी, तुम लोग भी तो उसे रिलिश करते हो। मेरा हमेशा यही जवाब होता है, बट मैं उनको ये नहीं बताती वो क्यों नहीं फटती। वो मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगी। उसके पीछे भी एक छोटा सा साइंटिफिक लॉजिक है। अगर आप वो फॉलो करेंगे, आप टमाटर के साथ दूध भी डाल लें कभी नहीं फटेगा, टमाटर के साथ क्रीम डालें कभी नहीं फटेगा। अब आप देखिए ये जो हमारी दाल है उससे तेल ऊपर आ गया, पानी कम लगा था तो मैंने पानी डाल दिया है। अब हम टमाटो प्यूरी बनाते हैं और मसाले की तैयारी करते हैं। अब ये जो 4 टमाटर लिए हैं मैं इसको काट लूँगी और मिक्सी में डाल के ब्लेंड करूँगी। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, टमाटो प्यूरी हमारी बन गई है। ये सिर्फ टमाटर है, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हीट करेंगे और इसमें मैं 3 टेबलस्पून घी डालूँगी, उसे मेल्ट होने देंगे। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं या येलो भी कर सकते हैं, बट येलो में नमक होता है तो इसलिए बेटर है अनसॉल्टेड वाइट बटर यूज़ कीजिए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है कि इसका जो टमाटो प्यूरी है इसका कलर जो है बहुत सुंदर सा रेड आए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए ये टमाटो प्यूरी कितनी अच्छी मसाला बन गया है। टमाटर अलग और घी अलग हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो हमारा बचा हुआ है, और उसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि वो मुझे कम लग रहा था, क्योंकि हमें अदरक लहसुन तब तक भूनना है जब तक उसका कच्चापन नहीं जाता, तो पानी की ज़रूरत लग रही थी। अब इसमें जो है अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो चला गया है, तो हम इसमें नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालिए क्योंकि नमक हमने दाल को उबालते हुए भी डाला है। इसको मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए हमारा ये जो मसाला है कितना सुंदर रेड हुआ है, क्योंकि इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और दाल भी हमारी हो गई है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। अब वो जो टमाटर का मसाला बनाया है वो इसमें डालेंगे। हमने डाल दिया टमाटर का मसाला।
अब हम टमाटर के मसाले को हिलाएंगे अच्छे से और थोड़ा पानी डाल के दाल को ढक के होने देंगे। जब तक जो टमाटर का रंग है वो दाल में अच्छे से नहीं आ जाए रेडिश, आप देखिए आना स्टार्ट हो गया, दाल का कितना सुंदर कलर होना शुरू हो गया है। अब आप देखिए 10 मिनट बाद दाल का रंग और रूप ही बदल गया है, क्योंकि वो आंच सिम पे जो मसाला था वो अच्छे से होता गया, मिक्स होता गया दाल में। तो अब जो वो ऑथेंटिक टेस्ट की मैं बात कर रही थी उस पे चलते हैं। अब मैंने ये आप देखिए लिया है छन्नी, इस पे हम कोयला रखेंगे। इतना बड़ा पीस कोयला का मैंने लिया है, अगर आपके पास छोटे छोटे पीसेस भी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको सारी तरफ से हीट करना है, जैसे जैसे होता जाए आप पलटती जाइए सारे साइड। अब आप देखिए ये हमारा कोयला अच्छे से हो गया है। अब दाल में हम एक कटोरी रखेंगे, अब वो कोयला डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, घी डालेंगे 1 टीस्पून। हींग से ही देखिए कितना धुआं हो गया, अभी मैं घी डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमने घी डाला, एकदम धुआं कितना बढ़ गया। अब हम इसको कवर करेंगे, और आटे लगा देंगे चारों तरफ। अगर आप आटा नहीं भी लगाना चाहते तभी भी हो जाएगा, बट आटे से क्या होगा, जो धुआं है वो अंदर ही रहेगा, तो उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है तंदूरी वाला वो रहेगा आपकी दाल में। अब मेरे को अराउंड 20 मिनट्स हो गए, तो मैं ये आटे को उतार दूंगी। अब आप देखिए हमारी दाल कितनी सुंदर हो गई है, हम ये कटोरी निकाल देंगे बीच से। कितनी सुंदर हो गई है दाल, हम इसको हिला लेते हैं। अगर आपने इसको इसमें क्रीम नहीं भी डालनी तभी भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और डिलिशियस लगेगी। इसमें हल्का सा दूध डाल दीजिए, बट रिमेम्बर कि ये जो क्रीम है या दूध है हमेशा रूम टेम्परेचर पे होए, ना तो वो फट जाएगा टमाटर के साथ अगर वो लो टेम्परेचर पे है। हमने ये जो क्रीम ली है इसको थोड़ा सा मैं ब्लेंडर में बीट कर लूँगी। अब मैंने बीट कर ली, मैं इसमें डालूंगी क्रीम। एंड इसको मिक्स करेंगे। एंड इसको हम अराउंड 5-10 मिनट्स के लिए सिम आंच पे होने देंगे। अब मैंने एक पैन में घी लिया है 2 टेबलस्पून, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया तो हम इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कि इससे कलर आए, मिर्ची ना लगे बट कलर आए, और ये हम दाल में डाल देंगे। और ये मेरे पैन में अभी भी थोड़ा सा घी रह गया था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और आप थोड़ी देर 5 मिनट और सिमर गैस पे होने दीजिए। नाउ दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ऑफ दाल मखनी पसंद आई then do like, share, comment and also subscribe to my channel. So keep watching and stay tuned to Taste Buddy. Thank you. Keep loving Taste Buddy. Bye-bye.